हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट क्रिएटिव वो क्लिनिक से। दोस्तों, पोस्ट रिटायरमेंट फिटनेस की इस नई सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं नया वीडियो। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस के बारे में। दोस्तों, आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में दरअसल स्ट्रेसेस बढ़ गए हैं। इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना जैसी प्रॉब्लम, बहुत हाई स्ट्रेस लेवल रहना, इसके अलावा ब्रीदिंग पे बहुत अच्छा कंट्रोल ना हो पाना, ये सारी प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। साथ ही साथ शहरीकरण होने के कारण महानगरों में यहाँ तक कि 50% जो पॉपुलेशन है उसको किसी ना किसी तरह की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहती है, और इसीलिए आज के इस वक्त में ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे कि उनको अपनी रेगुलर एक्सरसाइज के शेड्यूल में डालना चाहिए। एंशिएंट इंडिया में ब्रीदिंग को प्राण कहा गया है, इसी को पुराने चाइना में की कहा जाता था। ये एक एनर्जी इसको माना जाता है जो कि पूरी शरीर में फ्लो होती है। यहूदियों की हिब्रू भाषा में इसको रूह कहा गया है, और पुराने यूनान में इसको न्यूमा कहा जाता था। तो ये बहुत क्लियरली एस्टेब्लिश्ड है कि पुरानी सभ्यताएं भी इसके लाभ को और इसके इम्पोर्टेंस को जानती थी, और आज मेरे साथ इसके इम्पोर्टेंस को और इन एक्सरसाइजेस को बताने के लिए हैं शैलेश सर। शैलेश सर योगा टीचर हैं और गुड़गांव में एक बहुत बड़ी सोसाइटी को ये यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे प्राणायाम किया जाता है, कैसे योगा की एक्सरसाइजेस की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं शैलेश सर के साथ, और शैलेश सर हमें बताएंगे कि प्राणायाम और ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, इनका सोर्स, इनका ओरिजिन कहाँ से है। नमस्कार, मैं शैलेश, मैं आपको आज बताने वाला हूँ प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम बेसिकली पतंजलि योग सूत्र से लिया गया है। 5 तरह के प्राणायाम मैं आपको बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम। पहला प्राणायाम, इसको आप फर्स्ट में कर रहे हैं, मतलब पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसे 2 मिनट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। धीरे धीरे इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको डीप ब्रीथ करना है, लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, अपने माउथ से या नोज से भी छोड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ें, आइए शुरू करते हैं दूसरा प्राणायाम, कपालभाति। इसको आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। इसमें आपको सांस को एक्सहेल करना है, और सांस जैसे एक्सहेल करेंगे फोर्सली आपका पेट अंदर जाएगा। इसे आपको स्टार्टिंग में 3 मिनट से स्टार्ट करना है, 5 मिनट, धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10, 15, 20 मिनट भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हम लंबी सांस लेंगे लेफ्ट नोज से और राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस को लेने में 3 से 5 सेकेंड का टाइम लगाना है, और सांस छोड़ते भी राइट साइड से इतना ही टाइम लगाना है। सांस लंबी गहरी लेनी है और इतना ही टाइम सांस को छोड़ने में लगाना। तो आइए करते हैं। राइट नोज को बंद करते हुए राइट हाथ के अंगूठे से और लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे रिंग फिंगर से, राइट से सांस छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, राइट क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल।
करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 राउंड या 7-10 राउंड भी कर सकते हैं। इसको आप फर्स्ट उंगली जो दोनों हाथों की आईब्रो के ऊपर, तीनों उंगलियां बिना पलकों के ऊपर बिना प्रेशर देव है, और अंगूठे से दोनों कान बंद, सांस लेंगे लंबी और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। भौंरे जैसी आवाज़ आपको निकालनी है और उसे अपने माइंड में महसूस करना है, उसे सुनना है। तो स्टार्ट करेंगे। धीरे से वापस दोनों हाथ रब करते हुए और अपनी आँखों के ऊपर पलकों को हथेलने के अंदर खोलते हुए धीरे से वापस करेंगे उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम में आपको सांस लेना अपने थ्रोट से गले से, धीरे धीरे सांस और लेना है। आवाज़ एक साउंड आएगा जैसे खर्राटे जैसी आवाज़ आएगी और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। पहले सांस लें, फिर थोड़ा रोकना है जितना आप रोक सकते हैं, फिर वापस राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से सांस को एक्सहेल करना है। तो दोस्तों ये वो ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम हैं जो कि शैलेश सर ने आपको समझाए। ये 5 प्राणायाम आप रेगुलरली प्रैक्टिस करना शुरू करें, और एक्सरसाइजेज की तरह ही प्राणायाम भी आपको तभी फ़ायदा पहुंचाएंगे जब आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी हाल ही में साइंटिफिक अमेरिकन ने प्राणायाम को ही एक नए फैंसी टर्म में टर्म किया, जिसका कि नाम उन्होंने कार्डिक कोहरेंस ब्रीदिंग रखा। तो पाश्चात्य सभ्यताएँ भी यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी अब पता चल रहा है कि योगा के और प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और उन्होंने खुद उसको बड़े एंथुजियास्टिकली करना शुरू किया है। तो आप पोस्ट रिटायरमेंट फिटनेस में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्राणायाम आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन में ज़रूर डालें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस कम करने में, आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट करने में, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स को उनकी इंटेंसिटी को कम करने में, हार्ट रेट को इम्प्रूव करने में, आपके बीपी को कम करने में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रीदिंग के जो नेचुरल फ़ायदे हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर में अवेलेबल रहता है, आपकी एंड्योरेंस और कैपेसिटी बढ़ती हैं, ये सारे फ़ायदे प्राणायाम से आपको मिलते हैं। तो शैलेश सर के साथ मैं हूँ विवेक गौड़, क्यूरेटिवो क्लिनिक से आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।